जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आप सभी के लिए, चाहे लड़के लड़कियां जितनी भी है जो एसएससी जीडी 2021 की तैयारी करने वाले हैं उन सभी को बता दूँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेडिकली अनफिट होने के कारण या उनको मेडिकल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो फोर्स की तैयारी नहीं कर रही है, जबकि उनको वास्तविकता नहीं पता कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है। वो जितनी सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं उनको वास्तविकता नहीं पता होती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एसएससी जीडी का मेडिकल का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक एक बिंदु पर किस प्रकार से चेक होता है, चाहे कौन कौन सा पार्ट, चाहे प्राइवेट पार्ट हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, उनका किस हिसाब से चेक होता है और क्या क्या उसमें बीमारियाँ होती हैं और किसको आप ठीक कर सकते हो, इनमें से कितनी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो और कितनी बीमारियाँ अगर आपको है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हो, आपको पता ही नहीं होता असलियत, क्योंकि जितने भी कुछ लोग अकेडमियाँ खोल रखे हैं उनको खुद ने कभी मेडिकल दिया नहीं, उनको उसने खुद ने कभी मेडिकल किया नहीं, उनको पता नहीं है मेडिकल में होता क्या। वो लोग सुनी सुनाई बातें, उनके हिसाब से आर्मी का मेडिकल, एसएससी जीडी का मेडिकल, चाहे मिनिस्ट्रियल का मेडिकल या जितने भी मेडिकल पुलिस के, वो सेम ही होते हैं उनके हिसाब से, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है इस साल की, तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपके मेडिकल में जो पार्ट किस प्रकार से चेक होते हैं, कौन कौन से पार्ट किस में कौन कौन सी मतलब प्रॉब्लम होती है, और 2018 की वैकेंसी में जो मेडिकल हुआ था और 2015 की वैकेंसी में जो मेडिकल हुआ था उनमें सबसे ज़्यादा पॉइंट किस जगह मिले थे, लड़कियों को पॉइंट किस में मिले थे और लड़कों को पॉइंट किस में मिले थे, और इसकी वजह से वो बाहर हो गए थे, और कौन कौन से पॉइंट थे जो आसानी से टूट जाते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी बताऊंगा, उसका निदान भी बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत अच्छा है। साथ ही दोस्तों अगर बता दूं, मेडिकल में तो आप तब पहुंचोगे ना जब रिटर्न एग्जाम की तैयारी करोगे, तो मैंने बुक के लिए वीडियो बना रखा है कि कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए एसएससीजीडी के, वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वैसे मैं लास्ट में दे दूंगा उसका भी। साथ में मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि उधर आपको मैथ और रीजनिंग की अच्छी क्लासें मिल सके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों तो सबसे पहले आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, और आपको पता है कि एसएससीजीडी का पेपर ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज़ परीक्षा ऐप पर, बहुत ही शानदार एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इससे आप एसएससी जीडी के पेपर अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ले सकते हो, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से पेपर होता है, उसमें आप मेरा प्रमो कोड कमांडो 50 लगाओगे तो आपको 50% डिस्काउंट में वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मेडिकल में आपके जो पॉइंट सबसे ज़्यादा लड़कियों के, पहले लड़कियों से शुरू करते हैं फिर लड़कों पर आते हैं। आपको पता है 2015 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें लड़कियों का मेडिकल और 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें लड़कियों के मेडिकल में बहुत फ़र्क था, यानी बहुत सारे डिफरेंस थे जिसकी वजह से कई टफ मेडिकल हुआ 2018 में। दोस्तों मेडिकल दिन ब दिन टफ ही होता जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियों को पॉइंट मिले थे, आप सभी को बता दूं कि जो ज़्यादातर लड़कियों जो पॉइंट मिले थे वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, वो आप सभी को पता है कि जैसे मासिक धर्म के कारण, पीरियड टाइम के कारण लड़कियों का जो रक्त स्त्राव होता है यानी, तो उसकी वजह से उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो जितनी मेरी बहन है उन सभी को मैं बता दूं कि आप जैसे गाजर या इस प्रकार की डाइट ले, ताकि शरीर में आयरन की कमी आपकी प्रॉपर रहे। कभी को वाइट ब्लड की भी प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इसके पक्का पुख्ता इलाज कर ले अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, नहीं तो इसकी वजह से आपको पॉइंट मिल सकता है। उसके अलावा यूरिन टेस्ट आप सभी को बता दो, पहले तो होता क्या है ओवरऑल बता दो, फिर लड़कियों को बता दो। सबसे पहले एसएससीजीडी में जो टेस्ट होता है उसमें होता क्या, सबसे पहले आपको सामने खड़ा कर दिया जाता है और आपका जो बाहरी बॉडी है उसको चेक किया जाता है। अब उसमें किस किस आपको प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की जरूरत है। अगर आपका कान टेढ़ा मेढ़ा है तो एसएससीजीडी के में घबराने की जरूरत नहीं, अगर इस प्रकार से कान है किसी का, इस प्रकार से कान है तो एसएससीजीडी के मेडिकल में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाक में टीएनएस है, मतलब नाक की टेढ़ी है, अगर टेढ़ी मेढ़ी भी है, अगर हड्डी थोड़ी बहुत, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे जीडी में मेडिकल अनफिट नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये गारंटी है। अगर दांत किसी के एक दो एक्स्ट्रा या एक दो कम है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर कबाई खाते हो, बोलते हो, थकलाते हो, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप निश्चित होके कर सकते हो। मुँह के आँखों में आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, तो आप तैयारी कर सकते हो। कलर विजन का पॉइंट नहीं टूटता, उसके लिए मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, अगर आपके कलर विजन है दोस्तों तो आपको झूठी तसल्ली। अगर किसी के चश्मा लग रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी आई सही है वहाँ पर आप टेस्ट पास कर लिए, या आपकी लक पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ अच्छा दिखा तो आप पास हो गए एक बार, मेडिकल फिट तो फिट। तो अगर किसी के चश्मा भी लग रखा है तो वो भी तैयारी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हल्का नॉर्मल चश्मा लग रखा है, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वाली भी बताऊँगा,
तो ये लोग तैयारी करें। उसके बाद में अगर जैसे दांत का बता दिया मैंने, एक दो एक्स्ट्रा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो आपका शरीर है, कम ज़्यादा चलता रहता है। उसके बाद में अगर नीचे आ जाएं तो बॉडी पार्ट में आपके चोट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये इस प्रकार जैसे हार्ट टच करते हैं, अगर ये कोर्निया टच होती है तो इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर ये पूरी की पूरी टच हो सकती है तो इसमें आपको पॉइंट मिल सकता है। तो इसको आप, अगर ये किसी बंदे के है तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो भी पेपर की तैयारी करें, क्योंकि मान लो अगर आप ऐसे करते हो थोड़ा भी डॉक्टर सोचता है कि ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें भी पास हो सकते हो। उसके बाद हाथ की उंगलियाँ अगर किसी की कटी फटी है, जैसे देखिए इस प्रकार से किसी की उंगली कटी है, या यहाँ से फूल रखी है, यहाँ से फूल रखी है, बीच में कुछ और काटे डिमेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना खून में कोई प्रॉब्लम है। आपको पता है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्मी की वैकेंसी में इन सभी पॉइंटों में कर भेज दिया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नाखून भी थोड़ा बहुत ख़राब है या टेढ़े मेढ़े हैं तो SSJD में आपको इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बता दिया उदाहरण के तौर पे, ये देख लीजिए, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नीचे के शरीर में, आपके चेस्ट में कई लोगों की यहाँ पर गड्ढा होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। या कईयों के शरीर पर कई काले काले से डॉट्स होते हैं, या जो चमड़ी होती है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे डॉट्स होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है उसमें डॉट्स होते हैं, कईयों के वो काला धब्बा सा बना हुआ रहता है स्किन पे, बहुत सारे लोगों को, कोई टेंशन नहीं, घबराने की बात नहीं, आप मेडिकल फिट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में पूरा शरीर इसका अक्सरा होता है, पीछे से भी होता है आपका, आगे से भी अक्सरा होता है, यानी आपकी जो आंतें हैं ये सही होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को अस्थमे की बीमारी है, बोलते हैं कि सर मेरे को अस्थमे की, अगर हल्का फुल्का बीमारी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्की फुल्की है, अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हल्की फुल्की है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आपके धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में अगर हम नीचे चले तो पीठ पे अगर कोई भी आपके कटा फटा निशान है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सर पे भी अगर कोई कटा फटा निशान, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप मेडिकल अनफिट नहीं हो गए। उसके बाद में नीचे चले प्राइवेट पार्ट्स में, तो लड़कों के आपको पता है कि पेनिस में आपका होल प्रॉपर्ली वाला, इसमें पॉइंट ज़्यादातर नहीं दिया जाता, जो आर्मी में दिया जाता है, कई लड़कों के जो होल है उसमें लिखा जाता है द पेनिस होल इज़ नॉट प्रॉपर्ली, मतलब सही जगह पर नहीं, कईयों का ऊपर नीचे होता है, तो उसका पॉइंट आर्मी में मिलता है, इसमें लड़कों को पॉइंट नहीं मिलता है। SSJD में आपके वर्सन है वो तो दो होने चाहिए, उसमें अगर एक है तो पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दो भी होते हैं वो तीन भी होते हैं कईयों के, लेकिन क्वालिफाई के लिए आपके दो होने चाहिए, उसमें आपको टेंशन नहीं। अगर दो है तो अगर छोटा बड़ा हो सकता तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर दो आपके सही होने चाहिए, ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बराबर दो होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में बैक में आपके पीछे पाइल्स नहीं होना चाहिए, जो लड़के ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे चिकन मटन कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से उनके पीछे जो पीछे बैक में है एक वाइट कलर का एक राउंड सा मिल जाता है, इसीलिए आप सभी को पता होगा कि जब मेडिकल लेते हैं तो कोडा करके ऐसे खंसाया जाता है, ताकि पीछे से बैग को ओपन करके आपका देखा जा सके कि कहीं वो पाइल्स तो नहीं है, तो पाइल्स है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। उसके अलावा नोकनी, अगर आपके घुटने टच हो रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने एक टेक्टिक्स बताई है कि अगर आपके थोड़ा बहुत भी अगर डिफ्रेंस कर सको तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पूरे ऐसे टच हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके नीचे अगर पैरों की उंगलियों में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादातर पॉइंट किस में मिलते हैं वो बता दूँ दोस्तों, यूरिन में। कई लोगों को जो बीमारियां होती है शरीर में उसकी वजह से यूरिन में आपके मिल सकते हैं। यूरिन टेस्ट को उस समय देते समय कैसे करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। यूरिन टेस्ट में मिल सकते हैं ज़्यादातर पॉइंट। ब्लड जांच में कई लोगों को ज़्यादातर पॉइंट मिलते हैं, लड़कियों को ज़्यादातर पॉइंट ब्लड टेस्ट में मिलते हैं आयरन की कमी की वजह से। उसके अलावा जो नोकनी है उसका पॉइंट या कलर विजन का जो पॉइंट है ये नहीं टूटते दोस्तों, चाहे लड़कियों लड़कियां कलर विजन का पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलता है, या किसी के कान के अंदर का कुछ खराबी है तो उसका वजह से उनको पॉइंट ज़्यादा मिलता है, यानी बिल्कुल नहीं सुनाई देता किसी कान से, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। मशीन से चेक करते हैं, या किसी के कान से वो रस्सी वस्सी आती है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। आप बिल्कुल ऑपरेशन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप तैयारी कराना चाहो तो आप ऑपरेशन करा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप SSJD की ज़रूर तैयारी करें। अब लड़कियों के लिए मैं बता दूं, लड़कियों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक दो ब्लड उसमें ज़्यादातर पॉइंट होते हैं, बाकी उसके अलावा आपके शरीर में एक हीमोग्लोबिन की कमी, यूरिन टेस्ट में लड़कियों के यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, इन दो में लड़कियों के ज़्यादातर पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाइल्स के पॉइंट कमी होते हैं लड़कियों के, लड़कों में पाइल्स के पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिगरेट विगरेट लड़कियाँ नहीं पीती हैं, आजकल कुछ फूंकती है लेकिन ज़्यादातर नहीं पीती है वो, तो लड़के कुछ ज़्यादा ही पीते हैं जोश जोश में, तो उनके ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी नोकनी का अगर आपको पॉइंट है पूरा, अगर आपका टेढ़ा हो रखा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके मतलब नाक जो पैर की उंगलियां या इसमें आपके कुछ मतलब टच हो रहे जब आपको कर रहे हैं, या वाइब्रेट अगर किसी का कर रहा है पैर या हाथ,
तो उसको पॉइंट मिल सकता है। अगर आपके हाथ इसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो हो सकता है, इसको दूर करने का भी तरीका है, ये तरीके भी मैं बताऊंगा आप अगली वीडियो में, एक साथ लंबा हो जाएगा। तो वाइब्रेट अगर किसी का हाथ पैर कर रहा है तो उसमें पॉइंट मिल सकता है। अगर हाथ पैरों में पसीना आ रहा है तो भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और पसीना कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो अगर ये पॉइंट है लड़कियों के लिए, लड़कों के जो ज़्यादातर पॉइंट होते हैं, एक तो वर्षण में हो गए कि आपके वो किसी का छोटा बड़ा होता है, दोनों गोले बराबर नहीं होते, उसकी वजह से किसी का एक ही गोला होता है, किसी का एक एक्स्ट्रा होता है, उसमें मिलता है पॉइंट लड़कों को ज़्यादातर। एक पाइल्स का पॉइंट लड़कों को ज़्यादा मिलता है, नोकनी का पॉइंट मिलता है लड़कों को, या आइज कलर विजन, कानों की प्रॉब्लम की वजह से पॉइंट मिलते हैं, और ब्लड और यूरिन, इसमें जो नॉर्मल कई लड़कों की जो बीमारियाँ होती उसका अलग से पॉइंट, लेकिन लड़कों को इस ब्लड में कमी मिलता है, यूरिन में मिल सकता है लेकिन ब्लड में बहुत ही कम पॉइंट मिलते हैं, और मेरे ख्याल से यूरिन में भी बहुत ही कम पॉइंट मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार ये जितने पॉइंट है वो लोग अगर निराश हो रखें तैयारी करने के लिए, जितने मैंने बताए अब मैंने पूरा बता दिया, तो आप तैयारी कर सकते हो इस वैकेंसी की दोस्तों, और आप बिल्कुल 100% फिट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।